सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर डेली रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मैरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस चिकन ब्रेड की रेसिपी लाई हूँ, जिसे मैं विदाउट ओवन तैयार करूँगी। इसे विदाउट ओवन कैसे तैयार करना है आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप्स बॉइल्ड श्रेडेड चिकन लिया है, 3/4 कप मिल्क, ऑयल 2+1/2 टेबल स्पून, मैदा 2 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका रखें, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून केचप, ये ऑप्शनल है, इसकी जगह पे आप अपनी मर्ज़ी की सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अदद प्याज लिया था, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आइए अब फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल डाल दें, ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल दें, इसे 1 से 2 मिनट तक सॉटे कर लें। उसके बाद इसमें मैदा डाल दें और 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे भून लें। मैदा डालने के बाद 4 मिनट तक इसे भून लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूँगी और साथ साथ मिक्स करती रहूँगी। फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब इसमें तमाम मसाले डाल दें और मिक्स कर लें। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसे पका लेंगे। लो फ्लेम ही रखनी है। इसमें फिर चिकन ऐड कर दें और केचप डाल दें और अब लो फ्लेम पे ही इसे हम 5 से 6 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए पका लेना है, ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अब इसमें धनिया चॉप किया हुआ डाल दें और मिक्स कर लें। चिकन फिलिंग बहुत अच्छे से तैयार है। अब मैं इसे अलग प्लेट में निकाल के ठंडा होने रख दूँगी। अब मैं डो बनाना स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैंने 1 अदद बाउल ले लिया है। इसमें 120 मिलीलीटर या 1/2 कप आप पानी डाल दें और 3 से 4 टेबलस्पून चीनी, 1 टीस्पून ड्राई यीस्ट और 1/4 टीस्पून नमक। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसके बीच में 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल दें और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 अदद अंडा तोड़ के डाल दें और इसे मिक्स करके ढक कर 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यीस्ट थोड़ी फूल जाए। अब देखें यीस्ट थोड़ी सी फूल चुकी है। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसे मैं मिक्सिंग बाउल में डाल दूंगी। मैं ये स्टैंड मिक्सर में डो तैयार करूंगी, आप चाहें तो इसे हाथ से भी नीट कर सकते हैं। अब इसके बीच में तमाम यीस्ट वाला मिक्सचर डाल दें। अब इसे मैं लो स्पीड पे मिक्स कर लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद मैं मीडियम स्पीड पे 4 से 5 मिनट तक नीट करूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे हमें नीट करना है। दूध हसबे ज़रूरत लिया है मैंने, नीम गर्म दूध है ये। हसबे ज़रूरत इसमें मैंने दूध डाला है, ज़्यादा दूध नहीं डालना। बस डो बनना शुरू हो जाए तो दूध डालना बंद कर दें। उसके बाद मैंने इसे मीडियम स्पीड पे 7 से 8 मिनट तक नीट किया है। अब मैंने इसमें 2+1/2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के इसे अब मैं हाई स्पीड पे 5 से 6 मिनट तक नीट कर लूँगी। हाथ से भी आपने ऐसे ही इसे डो को टाइम देना है। जितना अच्छा डो को नीट कर लेंगे उतनी ही सॉफ्ट ब्रेड तैयार होगी। अब डो बिल्कुल तैयार है। डो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, बहुत अच्छी तरह से इसे नीट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, डो में थोड़ी सी इलास्टिसिटी होनी चाहिए। देखें कितनी सॉफ्ट डो तैयार हुई है। आप इस तरह से इसे हाथ से जितना फैलाते जाएंगे ये टूटनी नहीं चाहिए। इस तरह से देखें मैं हाथ से फैलाती जा रही हूँ, इसमें इलास्टिसिटी मौजूद है, ये टूटनी नहीं चाहिए, ये अच्छी नीडिंग की निशानी है। इसे बहुत अच्छी तरह से नीट कर लिया। हाथ से भी जब आप नीट करें तो इसे इस तरह से चेक कर लें। बहुत ज़बरदस्त डो तैयार हुई है। अब 1/2 टेबल स्पून से मैं बॉल को ग्रीस कर लूँगी। उसके बाद डो के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ढक कर 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। 1.5 घंटा हो चुका है, डो बहुत अच्छे से फूल चुकी है। आजकल गर्मियां हैं, आप इसे बेशक बाहर भी रख सकते हैं, किसी गर्म जगह पे बेशक ना रखें, रूम टेम्परेचर पे रख दें। अब इसे मैं ज़्यादा नीड नहीं करूँगी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई मैदा छिड़क कर अब मैं इसे लंबाई के रुख इस तरह से पतला सा बेल लूँगी।
अब मैं नाइफ़ की मदद से इस तरह इसके ऊपर कट्स लगा दूंगी और दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे इस तरह से। अब दरमियान में मैं थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं और ये ऑप्शनल है। इसकी जगह पे आप अपनी मर्ज़ी की सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से ये पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी और चिकन जो मैंने रेडी करके रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और फिर मैं इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले मैं मोज़रेला के स्लाइसेस रख दूंगी और फिर मैं चेडर चीज़ डाल दूंगी इस तरह से। अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दूंगी और एक एक स्ट्रिप को क्रॉस शेप में लपेटती जाऊंगी। इस तरह से एक एक स्ट्रिप को क्रॉस शेप में हम फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर दें। पैन में मैंने बटर पेपर लगा दिया है, अब इसमें मैं ये ब्रेड रख दूंगी और दोबारा से इसे मैं ढक कर 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि थोड़ी सी ये फूल जाए। इसी तरह मैं दूसरी वाली डो को भी तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी से फिलिंग कोई भी कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। इसे भी मैं इसी तरह ही क्रॉस शेप में फोल्ड कर दूंगी। इसे भी मैं पैन में रख दूंगी 7 से 8 मिनट के लिए ताकि ये भी थोड़ी सी डबल हो जाए। ब्रेड फूल चुकी है, अब इसके ऊपर अंडे की जर्दी को मैं ब्रश कर लूंगी अच्छी तरह से और ऊपर मैं चीज़ के स्लाइस रख दूंगी, ये ऑप्शनल है। वाइट या ब्लैक तिल इसके ऊपर डाल दें। अब मैं इसे बेक करूंगी। देखचे को मैंने 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पे प्रीहीट किया है। देखचे की तय में नमक बिछा के ऊपर स्टैंड रखा है, फिर उसके ऊपर मैंने एक अदर ट्रे रखी है। अब इसके ऊपर मैं पैन रखूंगी, इससे ब्रेड नीचे से जलेगी नहीं। अब 45 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे दम कर दें। दूसरी ब्रेड भी फूल के तैयार हो गई है, अब इसके ऊपर भी मैं अंडा ब्रश कर दूंगी, थोड़े से काले तिल डाल दूंगी और इसे मैं दूसरे देखचे में ऐसे ही बेक होने रख दूंगी जैसे मैंने पहली वाली ब्रेड को रख दिया है। 45 मिनट बाद मैं ब्रेड को चेक करूंगी, ब्रेड बहुत अच्छे से बेक हो गई है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब मैं ब्रेड को 5 मिनट के लिए कपड़े से ढककर रख दूंगी। उसके बाद इसके ऊपर बटर ब्रश करूंगी, इससे ब्रेड के ऊपर एक अच्छी सी शाइन आएगी। दोनों ब्रेड बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुई हैं। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुई है, बहुत ज़बरदस्त बेक हुई है। अब मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ब्रेड तैयार हुई है, अंदर तक अच्छे से ब्रेड बेक हो गई है, बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है ये ब्रेड। ये देखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। आज मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीके से चिकन ब्रेड बनाने की रेसिपी बताई है, बहुत टेस्टी तैयार हुई है। विदाउट ओवन इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप भी इसे घर पर इसी तरह तैयार कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।